हाँ, तो मेरा नाम है गुलाम दस्तगीर। मैंने किया है एनएडी यूनिवर्सिटी से सिविल इंजीनियरिंग 1990 में, 1990 में। उसके बाद मैं चला गया था केडीए, कराची डेवलपमेंट अथॉरिटी। फिर वहाँ से मैं चला गया था एमएस करने मिशिगन यूनिवर्सिटी डेट्रॉय में, अमेरिका में। तो आज की जो इन्फॉर्मेशन वीडियो है वो है कि अल्लाह ने हमें बनाया या हमने अल्लाह को बनाया। ये अमेरिकन रिसर्च है, आप बताते हैं आपको ये अमेरिकन रिसर्च कैसे काम करती है। तो कोई ये हर इंसान को अलग ही ज़रूरत होती है, जितने भी इंसान इस दुनिया में हैं उन सबको अलग ही ज़रूरत होती है। तो वो अल्लाह को किसी न किसी तरीके से वो अल्लाह को मानते हैं, ठीक है। तो अल्लाह ने 1,24,000 पैगंबर भेजे, तो अपना मैसेज लोगों तक पहुंचाने के लिए। तो उसमें से 4 पैगंबर ऐसे थे जिनको अल्लाह ने किताबें दी। जब हज़रत दाऊद अलैहि सलाम को ज़बूर दी, और दाऊद अलैहि सलाम ज़बूर पढ़ते, अल्लाह की हम्द व सना करते, और उनके साथ परिंदे और पहाड़ भी अल्लाह की हम्द सना करते। उसके बाद मूसा अलैहि सलाम को अल्लाह ने तौरात दी। मूसा अलैहि सलाम जो थे वो तौरात पढ़ते, उस पर अमल करते और अल्लाह की हम्द सना करते, और अपने मानने वालों को अल्लाह की हम्द सना करने की तलकीन करते। और इसी तरह हज़रत ईसा अलैहि सलाम को अल्लाह ने बाइबल दी, इंजील, और हज़रत ईसा अलैहि सलाम बाइबल पढ़ते और अल्लाह की हम्द सना करते और बाइबल पे अमल करते। इसी तरह नबी करीम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लम को अल्लाह ने कुरान दिया और नमाज दी। तो नबी करीम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लम कुरान की तिलावत करते और सहाबा को कुरान पढ़ने की तलकीन करते और कुरान पे अमल करते और नमाज़ पढ़ते और सहाबा को नमाज़ पढ़ने की तलकीन करते। तो ये था अल्लाह का निज़ाम। तो ये वो लोग हैं जो हज़रत मूसा अलैहि सलाम को मानने वाले यहूदी हैं, हज़रत ईसा अलैहि सलाम को मानने वाले ईसाई हैं, और नबी करीम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लम को मानने वाले मुसलमान हैं। तो ये तीन हैं जो अल्लाह के जिनको पैगंबर भी मिले, किताबें मिली, और जिनको अल्लाह ने बनाया। तो यहूदियों को अल्लाह ने बनाया है, ईसाइयों को अल्लाह ने बनाया है, और मुसलमानों को अल्लाह ने बनाया। अब रह गए बाकी के लोग जिसके अंदर ये बुद्धिस्ट हैं। अब इनको भी अल्लाह की ज़रूरत थी तो इन्होंने बुत बना लिए, घर के बाहर भी लगा के रखते हैं। घर के बाहर जैसे घर में दाखिल होंगे तो घर के बाहर ही इनका बुत लगा होता है, उसकी पूजा पाठ करते हैं और फिर घर में दाखिल होते हैं। तो ये भी बहुत बड़ी तादाद है, इनकी 2 बिलियन के करीब हैं। ये पूरी दुनिया में चाइना में ज़्यादातर बुद्धिस्ट होते हैं। उसके अलावा हिंदू हैं, उन्होंने भी बुत बनाए हुए हैं, घर में बुतों की पूजा करते हैं। तो ये भी अल्लाह की इनको ज़रूरत थी तो इन्होंने अल्लाह को बनाया। इसी तरह अहले तशी हैं, वो आग की पूजा करते हैं। इसी तरह कुछ लोग हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में सामरी ने बकाया कि जिस मूसा जिस अल्लाह के बारे में कहते हैं वो अल्लाह नहीं है असल में, एक वो बछड़ा था उसके अंदर उसने कुछ चीज़ें डाली और उसमें से आवाज़ें आती नहीं, कहती ये तुम्हारा अल्लाह, इसकी बात करो। तो बछड़े की इबादत भी करी, सूरज की इबादत भी करी, चाँद की इबादत भी करी, सितारों की इबादत भी करी, दरख्तों की इबादत भी करी। तो इंसान जो है उसको अल्लाह की ज़रूरत थी तो उसने हर जो चीज़ उसके सामने है उसको उसकी उसकी पूजा पाठ शुरू कर दी।
तो अल्लाह ने तो नहीं कहा था ना कि बुत बनाओ उनकी पूजा करो, या अल्लाह ने तो नहीं कहा था कि आग की पूजा करो, या अल्लाह ने तो नहीं कहा था कि सूरज की पूजा करो, अल्लाह ने तो नहीं कहा था कि दरख्तों की पूजा करो, अल्लाह ने तो नहीं कहा था कि बछड़े की पूजा करो। ये सब तो इन्होंने खुद ही अपने लिए बनाई। तो इस तरीके से दो तरह के लोग दुनिया में रहते हैं, एक वो जिनको अल्लाह ने बनाया और एक वो जिन्होंने अल्लाह को बनाया। तो आधी दुनिया के लोग जो हैं उनको अल्लाह ने बनाया, और आधे से ज़्यादा दुनिया में जो लोग हैं उन्होंने अल्लाह को बनाया। और अल्लाह क्यों, इन लोगों ने अल्लाह को क्यों बनाया, कि ये कोई भी इंसान इस दुनिया में अल्लाह के बगैर रह ही नहीं सकता, तो उसको अल्लाह की ज़रूरत होती है जब वो, तो इसलिए इंसान अल्लाह के। अब ये बहुत पुराने ज़माने से आप देखें, पैगंबरों से बताते हैं कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के वालिद जो बाप थे वो आज़र, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के वालिद का नाम था आज़र। तो वो आज़र जो थे, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के वालिद यानी बाप जो थे, वो बुतों की पूजा करते थे। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने वालिद से, आज़र से कहते हैं कि भाई आप ये जो बुतों की पूजा करते हैं ये सही नहीं है, ये अल्लाह नहीं है, तो आप असल अल्लाह की इबादत करें। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम के वालिद आज़र इब्राहीम से कहते हैं, इब्राहीम देखो मुझे इन बुतों की पूजा करने से नहीं रोका करो, क्योंकि ये बुत जो हैं मुझे मेरे आबा अजदाद से मिले हैं। आबा अजदाद का मतलब दादा, परदादा, उसके दादा, उसके परदादा। तो इस तरीके से बहुत पुरानी पुरानी नस्ल से हमारे आबा अजदाद जो थे वो इनकी पूजा करते थे, और उनसे ये मुझे मिले और मैं इनकी पूजा करता हूँ और मुझे इस पूजा से ना रोको। तो जिसने भी बुतों की पूजा की उसने अल्लाह के साथ शिर्क किया, और जिसने अल्लाह के साथ शिर्क किया वो जहन्नुम में गया। तो ये है इसका मसला। तो जिन्होंने बछड़े की पूजा की उन्होंने भी अल्लाह के साथ शिर्क किया, वो भी जहन्नुम में जाएंगे। जिन्होंने आग की पूजा करी वो भी जहन्नुम में जाएंगे, उन्होंने भी अल्लाह के साथ शिर्क किया। तो जिन्होंने सूरज की पूजा करी वो भी जहन्नुम में जाएंगे, जिन्होंने चांद की पूजा करी वो भी जहन्नुम में जाएंगे, और जिन्होंने सितारों की पूजा करी वो भी जहन्नुम में जाएंगे। तो इस तरीके से ये निज़ाम है। तो अल्लाह का शुक्र अदा करें कि अल्लाह ने हमें मुसलमान बनाया और सही रिलीजन दिया और आखिरी रिलीजन दिया। अल्लाह का शुक्र अदा करें कि अल्लाह ने हमें हिंदू नहीं बनाया, बुद्धिस्ट नहीं बनाया, सिख नहीं बनाया, यहूदी नहीं बनाया और ईसाई नहीं बनाया। तो यह है इसका मसला। अब हमेशा याद रखें कि यहूदी, ईसाई और मुसलमान जो हैं इनको ये अल्लाह ने पैगंबर भेजे और किताबें भी दी हैं। यहूदियों को मूसा अलैहिस्सलाम पैगंबर थे और उनको तौरात मिली, और ईसा अलैहिस्सलाम जो थे उनको बाइबल या इंजील मिली, और नबी करीम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लम को कुरान दिया और नमाज दी। तो इस तरीके से ये तीनों मज़हब जो हैं वो अल्लाह की तरफ से हैं। तो इनको कहते हैं अहले किताब। अहले किताब के अल्लाह के वो मज़हब, वो पैगंबर जिनको अल्लाह ने किताबें दी और जिन लोगों को ये किताबें मिली, ठीक है। और बाकी के जो हैं हिंदू हो गए, उन्होंने खुद ही बुत बना लिए, उनकी पूजा पाठ शुरू कर दी, उनका ना कोई पैगंबर है ना उनको अल्लाह ने कोई किताब दी है। लेकिन क्योंकि उन्होंने जब अपना रिलीजन शुरू किया तो उनके अंदर, उनके रिलीजन में जैसे जैसे लोग आते रहे तो वो किताबें लिखते रहे। तो हिंदू रिलीजन के अंदर आपको हज़ारों गीता, गीता जिसे कहते हैं किताबें, कहते हैं ना गीता, तो हज़ारों किताबें आपको हिंदू रिलीजन में मिल जाएंगी लिखी हुई, लेकिन वो सब की सब इंसान की लिखी हुई हैं। और
ये जो कुरान है और ये जो बाइबल है और जो ये तौरात है, ये अल्लाह की लिखी हुई है। तो ये फ़र्क है, कुरान किसने लिखा है? अल्लाह ने। ये अल्लाह की किताब है, इसके अंदर जो भी कुछ है वो अल्लाह ने, ये अल्लाह की किताब है, ये अल्लाह ने इसके अंदर बयान फरमाया जो भी कुछ है। तो इसलिए याद रखें कि अल्लाह की किताब है। अब इसका कोई भी राइटर नहीं है, कुरान का लिखने वाला, ये कुरान किसने किसने उतारा? नबी करीम हज़रत मोहम्मद मुसल्लम वसल्लम के ऊपर जिब्राइल अलैहिस्सलाम। और कौन जिब्राइल अलैहिस्सलाम कहाँ से लेके आए? अल्लाह के पास से लेके आए। तो अल्लाह ने ये कुरान जिब्राइल अलैहिस्सलाम को दिया, और जिब्राइल अलैहिस्सलाम ये कुरान जो था बिट्स एंड पीसीस की शक्ल में नबी करीम हज़रत मोहम्मद मुसल्लम वसल्लम को दिया। तो ये है इसका मसला। तो हमेशा ये क्वेश्चन करते हैं अमेरिकन रिसर्च जब ये करते हैं कि भाई अल्लाह ने बनाया हमको या हमने अल्लाह को बनाया। तो यहूदियों को अल्लाह ने बनाया, ईसाइयों को अल्लाह ने बनाया, मुसलमानों को अल्लाह ने बनाया, और हिंदुओं ने अल्लाह को बनाया। इनका जो भगवान है ये हिंदुओं ने खुद बनाया है, इनका कोई पैगंबर नहीं है, कोई इनकी किताब नहीं है। सिखों ने, इनका भी कोई पैगंबर नहीं है, इन्होंने भी इन्होंने भी अपना जो भी गॉड है उसको खुद बनाया। और बुद्धिस्ट जो हैं वो तो बिल्कुल ही खुला टुला है, वो तो आप देख लें कि घर के बाहर ही उन्होंने वो बुत लगाया होता है। जैसे घर में दाखिल होते हैं तो पहले दाखिल होने से पहले ही जो है ना उसकी बुत की पूजा पाठ करके अंदर जाते हैं। तो इन्होंने भी अल्लाह को बनाया, यानी कि बुद्धिस्ट जो हैं उन्होंने भी अल्लाह को बनाया। इस तरह जिसने भी आग की पूजा करी है उसने भी अल्लाह को बनाया, जिसने समंदर की पूजा करी उसने भी अल्लाह को बनाया, जिसने सूरज की पूजा करी उसने भी अल्लाह को बनाया, जिसने दरख्तों की पूजा करी उसने भी अल्लाह को बनाया, जिसने चांद की पूजा करी उसने भी अल्लाह को बनाया, और जिसने सितारों की पूजा करी उसने भी अल्लाह को बनाया। तो ये है। तो कोशिश करें कि अल्लाह अल्लाह करें। और अल्लाह अल्लाह क्या है? नमाज का पढ़ना, कुरान का पढ़ना, नहीं पढ़ना आता सुनना, नहीं समझ में आता तर्जुमा सुनना, और उस पर अमल करना, और दुरुस्त पर वर्द करना। तो इसलिए अल्लाह ने हमें बनाया इबादत के लिए, और हमारे सर लगा दिया कमाना और खाना। तो कमाएं खाएं और अल्लाह अल्लाह करें, इस तरह अपनी ज़िंदगी इस दुनिया में गुजारें। ओके।